और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया। उनकी जगह आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किए गए। दरअसल प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा वो भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और एमडी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके साथ ही सरकार ने 21 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया था। हालांकि अब कर्नाटक कैडर के प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के डीजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि पेपर लीक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका में 5 मई को आयोजित नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही इस परीक्षा में शामिल हुए 10 छात्रों की ओर से दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने और शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है।